राजधानी भोपाल के मंत्रालय में चल रही मोहन कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बता दें कि मोहन कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर महीने में रीवा में निवेश आएगा। आज सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि विधेयकों के आवास के लिए 169.13 करोड़ रुपए स्वीकृति दी गई है। साथ ही मंत्रियों के बाद विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस वर्ष दशहरा सत्र पूजन के साथ मनाया जाएगा, जिसके तहत सभी मंत्री अपने प्रभाव के जिलों के पुलिस के शस्त्रागार में शस्त्र पूजन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्त्री शक्ति और समर्थ के प्रति सम्मान के रूप में लोकमाता अहिल्या देवी की राजधानी महेश्वर में दशहरा पर्व शस्त्र पूजन करेंगे। सीएम के संबोधन के बाद कैबिनेट बैठक शुरू हो गई। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जिसमें एक तो रीजनल इन्वेस्टर समिट सागर में 27 सितंबर को होने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए, आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री जी रीजनल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं संभागीय मुख्यालयों में, जिससे कि उस रीजन में कि कौन सी इंडस्ट्रीज का पोटेंशियल है उसको इन्वेस्टर समझ सकें, डिस्कशन हो और उसके बाद फिर रीजन वाइज इन्वेस्टमेंट होगा तो पूरे मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने में मदद मिलेगी। तो 27 सितंबर को जो सागर में इंडस्ट्रियल समिट होने वाला है उसके तैयारी में पिछले दिनों मुख्यमंत्री कलकत्ता गए थे और कलकत्ता में अभी तक का सबसे अच्छा रिस्पांस उन्होंने देखा। हम सब जानते हैं कि उद्योग के मामले में हमारे देश में कलकत्ता एक ऐसा स्थान है जहां पर शुरू से ही जूट से लेके और तमाम तरह की इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई थी, तो वहां के लोगों ने बड़ी रुचि दिखाई है मध्य प्रदेश में आने की। मध्य प्रदेश में जिस तेज़ी से विकास हुआ है, शांति का टापू है मध्य प्रदेश, बिजली पानी और सड़कें शानदार बन गई हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा है, इसलिए एक बहुत अच्छा रिस्पांस मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर फील किया।